नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके सपने यूट्यूब चैनल रेल है तो देश है की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन के बारे में, जिसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से जो है वो रेलवे बोर्ड में चर्चा चल रही थी और इसकी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए यहां पर जो क्षेत्र भर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनकी मांग लगातार उठाई जा रही थी कि आखिर भिंड से लेकर के महोबा के मध्य में एक नई रेलवे लाइन वाया रठ कब बिछाई जाएगी और इसका जो सर्वे है वो कब यहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा और उसके लिए क्या लागत सामने आएगी। ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं वो आपके मन में ज़रूर से आती होंगी, तो उसी के लिए यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यानी कि एक सकारात्मक खबर सामने आई। हम आपको बताते हैं महुआ भिंड रेलवे लाइन को लेकर रट विधायक द्वारा भी किया गया प्रयास और बाकी अन्य क्षेत्रों के द्वारा जो बल है उसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे सेंट्रल रेलवे द्वारा महुआ से भिंड तक 217 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 5.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति रेलवे बोर्ड से दी गई है। यानी कि महुआ से भिंड के मध्य में जो नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी उसके लिए बजट भी अलॉट हो गया है, जो कि 5.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जिससे क्षेत्रवासी में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि वर्षों से रट क्षेत्र में रेलवे लाइन की मांग उठती चली आ रही है और दोस्तों विगत दिनों जो काफ़ी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर देखने को सामने आई थी और काफ़ी जो केंद्र के जो नेता थे उन्होंने भी इसकी मांग उठाई थी, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी जो ठोस जो चीज़ थी वो रेलवे द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन अभी जो इसका सर्वे है वो हाल ही में स्वीकृत कर दिया गया है और बजट के साथ में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात यहाँ पर दोस्तों की है जो रट के जो विधायक हैं, हाँ दोस्तों उन्होंने, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महोबा से भिंड तक 217 किलोमीटर रेलवे लाइन को लेकर पत्र भी सौंपा था, जिसके बाद झांसी मंडल यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई के रेलवे स्टेशन अधिकारियों ने दोस्तों यहाँ पर रट विधायक के साथ महोबा भिंड रेलवे लाइन को लेकर औपचारिक सर्वे भी किया था। अब हम आपको बता दें कि अब केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा महोबा से भिंड तक 217 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 5.43 करोड़ रुपया की किस्त यहां पर अवमुक्त कर दी गई है, जिसके बाद जल्द ही अब रेलवे लाइन का रास्ता साफ हो जाएगा और आने वाले बजट सत्र में महोबा से भिंड तक रेलवे लाइन के लिए बजट पास होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखने भी लगी है। महोबा से भिंड तक बनने वाले 217 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग में 3 जंक्शन सहित 20 स्टेशन मौजूद होंगे। हम आपको बताते हैं दोस्तों कौन कौन से। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो उक्त रेलवे लाइन में महोबा भिंड व उरई जंक्शन के अलावा यहाँ पर चतरत, उमरी, नयगांव, बोनापुरा, माधवगढ़, बंगरा, जालौन, वीरपुरा और सरकोरी, डकोर, रिहुटा और यहाँ पर दोस्तों गौहट, रात, धमना, सबुआ, चरखारी, कुराना, कला आदि स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जंक्शन जो हैं वो 3 होने वाले हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया, पहला दोस्तों होने वाला है महोबा, दूसरा होने वाला है भिंड और तीसरा होने वाला है दोस्तों उरई, और बाकी के जो हैं वो 20 स्टेशन मौजूद होने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार की जो है वो यहाँ पर सर्वे जो है वो यहाँ पर पास हो गया है, इसकी बजट है वो भी यहाँ पर पास हो गया है, यानी कि सर्वे के साथ ही इसका बजट जो है वो 5.43 करोड़ रुपए का स्वीकृत हो गया है। अब इस रेलवे लाइन का यहाँ पर बहुत ही जल्द सर्वे होने वाला है और उसके साथ ही सारी जो चीज़ें वो यहाँ पर देखी जाएंगी और उसके बाद में जो नई रेलवे लाइन बनाने का जो वो एक जो दोस्तों जो टेंडर है उसको ओपन किया जाएगा। फिर सारी चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर शांतिपूर्वक किया जाएगा, चाहे वो भूमि अधिकरण हो या यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने से संबंधित कुछ भी जो प्रक्रिया है वो आगे यहाँ पर शुरू की जाएगी। फिलहाल सर्वे की पूरी यहाँ पर मंजूरी मिल गई है, क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों से होकर ये रेलवे लाइन गुजरेगी, कौन कौन से रेलवे स्टेशन बनेंगे और कौन कौन से जंक्शन बनेंगे और कितनी इसकी लंबाई होने वाली है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगर आगे भी कोई नई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर से बताते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।